मामा देखो डॉक्टर आने वाले हैं, हम सही टाइम पे पहुंचे हैं। काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि ये जो मेरी सैमसंग की जो घड़ी है ना, सही है, ये मैं चेंज करके एप्पल वॉच की तरफ चला जाऊँ। आमिर भाई ने तो पहनी, ये कौन सी वाली भाई? ये तो सीरीज 3। मोहम्मद अहमद, क्या देख रहे हो मोहम्मद अहमद? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं यार। जब मैं फिशरी से घर आया ना, यकीन करें, और जब मैं सोया तो मुझे ऐसा लगा था ये बेड भी जो है ना, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है पानी के अंदर। सीरियसली मतलब ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि जो है ना समंदर के अंदर ऐसे 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 हिलते हिलते जो है ना पूरा वही दिमाग में बैठ गया था। अभी जो है ना ऐसा 2 बजे हैं, लेकिन आपका भाई सुबह 10:30 बजे से उठा हुआ है। और जब मैं घर में एंटर हुआ था तो बताएं कि फिशरी का जो परफ्यूम लगाया तो उसकी खुशबू कैसी आ रही है। तो भाई जब नहा के जो है ना बड़ा सुकून मिला। मोहम्मद अहमद जो है ना अभी बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। मोहम्मद अहमद कैसे हो आप? क्या हुआ मेरे बच्चे को? दो क्या? दो क्या? दो क्या? दो बताओ ना, क्या दो? क्या दो? क्या दो? अभी मोहम्मद अहमद जो है ना घिर गया। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे जो है ना इसको चोट लग गई। यहाँ क्या लग गया मोहम्मद अहमद? चलें भाई दिन का स्टार्ट करते हैं। और घर वालों को सबसे पहले तो मैं किसी भी एडवेंचर ट्रिप से वापस आता हूँ ना, तो पूरी बैठ के जो है सबको एक साथ बैठा के पूरी कहानी सुनाता हूँ। अभी जो है ना इन लोगों को भी सुनाऊंगा कि भाई वहां पे क्या क्या सीन हुआ था। और दिन का स्टार्ट करते हैं। आ जाए, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। भाई मोहम्मद अहमद को जो है ना बहुत खांसी हो गई है, अब बढ़ती जा रही है, तो आज जो है ना डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। भाई अब हम घर से निकल गए हैं और आज सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि कीकी का लेटर मेरे पास रखा हुआ है, वो मैंने जमा कराना है। पिछले 1-2 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से जमा नहीं करा सका था, तो अब हम जाते हैं कीकी का लेटर जमा कराते हैं। इसके बाद फटाफट घर पे वापस आना है क्योंकि 6 बजे तक, अभी 4:45 बजे हैं, 6 बजे तक डॉक्टर का क्लिनिक खुलेगा। मोहम्मद अहमद को लेके जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि उसकी कफ बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, रात में बेचारे को जो है ना काफी डिस्टर्बेंस होती है, तो आज जो है ना उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। फिर वापसी में अब्दुल कबीर को पार्क भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। पहुंच गए हम लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। मुलाकात हो गई मेरी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, मैंने बोला भाई प्लीज इसको आप जो है ना करवाएं, और ये लेटर है, मैंने बोला चाहे आप मुझे अलाउ करें मैं अकेला लेके चला जाऊं और ये काम करके आ जाऊं, चाहे आप अपना कोई स्टाफ दें मैं उसको भी साथ लेके जाऊंगा आऊंगा, उसके भी सारे सफर के अखराजात हमारे ऊपर, लेकिन मैंने बोला यार इसको प्लीज आप ये काम करवा दें, ये मंकी को हम पहुंचा दें। बड़ी रिक्वेस्ट करके आया हूं, आप लोग भी दुआ करें यार इंशाल्लाह कि ये काम जल्दी हो जाए। 4:55 हो रहे हैं, मस्जिद के पास आ गया हूं और चलते हैं कामयाबी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मोहम्मद अहमद अम्मा, कहाँ जा रहे हो? पार्क। पार्क का टाइम कम है, पार्क के पास जाना है या डॉक्टर के पास जाना है? तो क्या हुआ है? खांसी हो गई है, डॉक्टर क्या देगा? दवाई। ले हम कहाँ आ गए हैं? पार्क आ गए हैं, क्योंकि पार्क में फिर अंधेरा हो जाएगा ना, तो फिर मच्छर आ जाते हैं, फिर जो पहले पार्क का काम निपटाते हैं। अब्दुल कबीर पहले कौन सा झूले में बैठेगा, कौन से स्विंग्स? अच्छा स्लाइड, चलो आराम आराम से देख देख के आ जाओ। 1 2 3 ओए मोहम्मद अहमद, अकेले बैठे हो? हाँ अकेले बैठ गए हो, चलो थोड़ा सा मूड अच्छा कर लो, फिर लेके जाएंगे डॉक्टर के पास आपको, ठीक है? दो इसको दो। अब्दुल कबीर आ गया भाई के पास। मोहम्मद अहमद उठना नहीं है, बैठे रहो। अब्दुल कबीर घुमाओ, आ जाओ। 1 2 3 आ जाओ। अहमद को पकड़ो, मोहम्मद अहमद मुझे पकड़ो, अप्पा को पकड़ो, आ जाओ, पकड़ लो, अब्दुल कबीर, अम्मा को पकड़ लो, वेरी गुड। वैसे ये जगह जो है ना पूरी फुल होती है, ये जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये जगह होती है पूरी फुल, आज इत्तेफाक से जो है ना रश नहीं है, वरना तो यहाँ पे बैठने जैसा नहीं होता, यहाँ पे इतनी फैमिलीज आई हुई होती है। आ जाओ,
बेगम आप बैठे गाड़ी में, मैं जरा डॉक्टर का मालूम करके आता हूँ, ठीक है? मामा देखो डॉक्टर आने वाले हैं, हम सही टाइम पे पहुंचे हैं आज। मामा देखो ये क्या है? बॉल नहीं है, क्या है? बलून। बलून मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। ये ना बेगम, जाओ मामा के पास, जाओ मामा दमन। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा बिल्कुल सुस्त हुआ हुआ है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल की तबीयत में मजा नहीं है, एंजॉय नहीं कर रहा, मस्ती वस्ती नहीं कर रहा है, तो बोला बस दवाई पिलाएं और ठंडा वंडा एहतियात करें और बाकी खाना पीना तगड़ा खिलाएं। खैर है, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा सब। मैं आ गया हूँ आमिर भाई के साथ। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। भाई आईफोन का प्रोटेक्टर जब मैं यूके जा रहा था ना, उससे पहले से टूटा हुआ है। अब टूट टूट के जो है ना टुकड़े गिर रहे हैं उसके, तो अब जो है ना पहले लगवा लेना चाहिए। वो लगवाते हैं, इसके बाद जो है ना एक और शॉप पे जाते हैं। काफी टाइम से सोच रहा हूं कि ये जो मेरी सैमसंग की जो घड़ी है ना, सही है, ये मैं चेंज करके एप्पल वॉच की तरफ चला जाऊं। अब मुझे प्राइसेस का आइडिया नहीं है, जरा जाके जो है ना देखते हैं कि क्या सीन है, कितने की ये रेंज में है नहीं है, क्योंकि आमिर भाई ने तो पहनी हुई। ये कौन सी वाली है भाई? ये तो सीरीज 3। सीरीज 3, अब देखते हैं जरा कि क्या सीन चल रहा है आजकल, कौन सी है क्या चल रहा है। ये तो सीरीज 15 लोग है ना, तो 14 के बाद जो है सीरीज 15 से, लेकिन सीरीज 15 के लिए जो है ना मुझे अपना आईफोन बेचना पड़ेगा। लार्ज ले, अभी एक ले आओ, बड़ा वाला फिर बताते हैं। लार्ज ले भाई, एप्पल की घड़ियां जो है ना आसमानों से बातें कर रही थी, 75,000 और 73,000 की घड़ियां थी ये जो दो मैं आपको दिखाई, सही है? मैंने बोला बस ये वापस रख देते हैं शोकेस में, वही अच्छी लग रही है। हाँ, SE जो है ना वो थोड़ी बहुत रेंज में लग रही थी, कहते हैं 43,000 रुपीज की थी, लेकिन वो इनके पास 43-45 की थी, लेकिन वो उन्होंने बेच दी थी, अभी उनके पास थी नहीं। मैंने अपनी वाली पूछी तो अपनी वाली इन्होंने बोला कि भाई आपसे ले लेंगे तकरीबन कोई 12,000 रुपए की, अगर इसके बाद कंप्लीट सामान वगैरह है आपके पास, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। मैंने बोला देखते हैं दोबारा, अगर SE का कोई प्रोग्राम बना तो SE ले लेंगे हम लोग। फिलहाल जो है ना हम फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए आ गए। उस दिन है ना हमें यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज नहीं मिले थे, आज हमने पकड़ लिए भाई फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे। देखें आप, यहाँ पे चटनी है, यहाँ पे मायो गार्लिक है और यहाँ पे मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज हैं। ओहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, यहाँ के फ्रेंच फ्राइज जो है ना एंड है। बहुत ही मजेदार, बहुत टाइम बाद खाए हैं ये फ्रेंच फ्राइज। आज जो है ना हम आपको दिखाते हैं कि यूसुफ कौन से मदरसे में पढ़ता है, सही है ना? इसका मदरसा दिखाते हैं, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 9 और इसका मदरसे से ऑफ हो गया और ये मदरसे से निकलने वाला है। बड़ा खुश है कि हम लोग लेने के लिए आए हैं इसको, ठीक है? ये देखिए अभी सामने से जो है ना हाजिर होंगे भाई। ये देखें, खुशी देखें सिर्फ चेहरे पे, खुशी देखें, लड्डू फूट रहे हैं दिल में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इतनी खुशी मदरसा जाते हुए होती है कभी है? अभी हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं सर्दियों की एक और सौगात। सर्दियां तो नहीं आई, सर्दियों के बहाने जो है ना हम लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। अभी हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं चिक्की। है भाई, चिक्की कहाँ से मिलती है हमारे यहाँ पे फेमस? चिक्की ये धोराजी में है। धोराजी में मिलती है भाई जान, वो लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसी दुकानों पे जो है ना बच्चों की ख्वाहिशात क्या होती है ये जरा मालूम करते हैं। यूसुफ, अगर तुम्हें कोई एक चीज लेना अलाओ इस दुकान से, क्या लोगे बताओ? एक चीज कोई? हाँ, चिक्की लोगे बस, और कुछ नहीं लोगे? अगर तुम्हें एक चीज अलाओ होती यहाँ से, कौन सी लेते? ये लेते तुम? ये लेते पक्की बात? और एक और चीज है, ये जेली नहीं, एक चीज, एक चीज, एक चीज, हाँ तो ये जेली, ये वाली लेते हैं। हाँ भाई, ये भी है वैसे, बचपन की यादें हैं, चीनी जो लगी हुई। अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि कोई एक चीज, तो मैं पता क्या लूंगा, एक मैं बताता हूँ आपको, ये लूंगा, ये, हाँ ये खट्टी गोलियां हैं। हमने बोला जो है ना ये ख्वाहिश पूरी कर ही लेते हैं, सही। हाँ ये, उसका टेस्ट वैसे ही है। और ये बच्चे ने जो है ना चिक्की उठा ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ताजी ताजी बनी हुई होती है ना उसकी बात ही और होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अब्दुल कबीर? आप सो रहे हो? सो रहे। ये क्या हो रहा है आपने? बैंकलेट। सो रहे हो भाई? सो गया आपका? सो गया मेरा बच्चा। आप मिस कर रहे थे मुझे? कर रहे थे। मम्मी ये देखो मैं क्या लाया। ये क्या है? पापा छोटे थे तो ये खाते थे। हाँ। ये खाते थे। हाँ।
अच्छा ए, मेरा बच्चा सो गया है मोहम्मद अहमद, दवाई पिला दी थी जी, पिला खांसी आ रही थी फिर इसको भी। ओहो दुआ कीजिएगा आप लोग भी यार, खांसी सही हो जाए, बच्चे को जो है ना रात में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। आप भी दुआ करोगे छोटे भाई के लिए? ओके आ जाओ, पापा के पास सो रहे हो? पक्की बात है? अरे मेरा मीठा बेटा। चले भाई आज का ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं थोड़ा सा देर से उठा था और थकन कल रात की फिशिंग की थकन बहुत ज्यादा थी। आज असल मायनों में नींद पूरी होगी, क्योंकि आज तो सुबह मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए मुश्किल से सोया हूँ, नहीं 7, 8, 9, 10, हाँ 3 घंटे के लिए सोया हूँ। तो आज रात को आराम करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। अब्दुल कबीर आपका भाई, भाई आपका भाई बोल रहा है, आपका भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम।